बैक्टीरिया बहुत छोटे जीव होते हैं। ये हर जगह होते हैं, मिट्टी में, हवा में, पानी में और हमारे शरीर के अंदर भी। ज्यादातर बैक्टीरिया नुकसानदेह नहीं होते और कुछ तो फायदेमंद भी होते हैं, लेकिन कुछ बैक्टीरिया इन्फेक्शन पैदा कर सकते हैं। एंटीबायोटिक्स दवाइयां होती हैं जो बैक्टीरिया से होने वाले इन्फेक्शन से लड़ती है। ये बैक्टीरिया को मारकर या उनकी ग्रोथ रोककर काम करती है। एंटीबायोटिक्स ने दवाओं की दुनिया में क्रांति ला दी है और अनगिनत जिंदगियां बचाई है, लेकिन इनका जरूरत से ज्यादा और गलत इस्तेमाल एक बढ़ती हुई समस्या का कारण बना है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। बैक्टीरिया किसी भी जीव की तरह बदल सकते हैं और विकसित हो सकते हैं। जब एंटीबायोटिक्स का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल होता है तो बैक्टीरिया उनके हमले से बचने के तरीके ढूंढ लेते हैं। इससे सुपरबग्स का जन्म होता है, ऐसे बैक्टीरिया जो कई एंटीबायोटिक्स के खिलाफ रेजिस्टेंस बना लेते हैं। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस दुनिया भर की सेहत के लिए एक बड़ा खतरा है। रेजिस्टेंस वाले बैक्टीरिया से होने वाले इन्फेक्शन का इलाज मुश्किल होता है, जिससे अस्पताल में रहने का समय बढ़ता है, इलाज का खर्च बढ़ता है और मौत का खतरा भी बढ़ता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को आज दुनिया भर में स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा और विकास के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक बताया है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव चिंताजनक है। आम इन्फेक्शन जिनका इलाज एंटीबायोटिक्स से आसानी से हो जाता था, अब मैनेज करना मुश्किल होता जा रहा है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, निमोनिया, TB और यहां तक कि छोटे घाव भी जानलेवा हो सकते हैं, जब ये रेजिस्टेंस वाले बैक्टीरिया से होते हैं। सुपरबग्स का उदय आधुनिक चिकित्सा के लिए भी एक बड़ा खतरा है। सर्जरी, ऑर्गन ट्रांसप्लांट और कैंसर के इलाज में अक्सर इन्फेक्शन रोकने के लिए असरदार एंटीबायोटिक्स पर निर्भर रहते हैं। जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ता है, ये प्रक्रियाएं जोखिम भरी हो जाती है, जिससे जटिलताएं और यहां तक की मौत भी हो सकती है। नए एंटीबायोटिक्स की कमी इस समस्या को और बढ़ा देती है। नए एंटीबायोटिक्स बनाना एक महंगा और समय लेने वाला काम है, और दवा कंपनियां इस क्षेत्र में निवेश करने में धीमी रही हैं। नए उपायों की इस कमी और रेजिस्टेंस के तेजी से फैलने से स्वास्थ्य सेवा के भविष्य के लिए एक धुंधली तस्वीर बनती है। जहां मानव चिकित्सा में एंटीबायोटिक्स का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल रेजिस्टेंस का एक प्रमुख कारण है, वहीं खेती का क्षेत्र भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पशुओं और मुर्गियों के पालन में इन्फेक्शन को रोकने और उनका इलाज करने के साथ साथ विकास को बढ़ावा देने के लिए एंटीबायोटिक्स का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। खेती में एंटीबायोटिक्स का व्यापक उपयोग रेजिस्टेंस वाले बैक्टीरिया के लिए प्रजनन स्थल बनाता है। ये रेजिस्टेंस वाले बैक्टीरिया फिर हमारे खाने, पर्यावरण और जानवरों के सीधे संपर्क से इंसानों में फैल सकते हैं। खेती में एंटीबायोटिक्स का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल न केवल जानवरों के स्वास्थ्य के लिए खतरा है, बल्कि मानव स्वास्थ्य के लिए भी एक बड़ा जोखिम है। कई देशों ने खेती में एंटीबायोटिक्स के इस्तेमाल को कम करने के लिए कदम उठाए हैं। उदाहरण के लिए, यूरोपीय संघ ने 2006 में विकास को बढ़ावा देने के लिए एंटीबायोटिक्स के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया था। हालांकि खेती में एंटीबायोटिक्स के जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल से जुड़े जोखिमों को कम करने के लिए विश्व स्तर पर और भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। सेक्शन 4, रेजिस्टेंस का मुकाबला, एक साझा जिम्मेदारी। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का मुकाबला करने के लिए व्यक्तियों, स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों, नीति निर्माताओं और कृषि उद्योग को शामिल करते हुए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। व्यक्तियों के रूप में हम सभी एंटीबायोटिक्स की प्रभावशीलता को बनाए रखने में भूमिका निभा सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण कदमों में से एक एंटीबायोटिक्स का जिम्मेदारी से उपयोग करना है। इसका मतलब है कि केवल डॉक्टर द्वारा बताए जाने पर ही एंटीबायोटिक्स लेना और इलाज का पूरा कोर्स पूरा करना। भले ही आप बेहतर महसूस करने लगे, खुद दवा न लेना या दूसरों के साथ एंटीबायोटिक्स शेयर न करना भी जरूरी है। स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों की जिम्मेदारी है कि वे सोच समझकर एंटीबायोटिक्स लिखें और मरीजों को जिम्मेदारी से एंटीबायोटिक्स के इस्तेमाल के महत्व के बारे में शिक्षित करें। उन्हें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के पैटर्न के बारे में भी जानकारी रखनी चाहिए और स्वास्थ्य सेवा सेटिंग्स में इन्फेक्शन नियंत्रण के उपायों को लागू करना चाहिए। सेक्शन 5, आगे देखते हुए
सुपरबग्स के बिना भविष्य की ओर। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के खिलाफ लड़ाई समय के खिलाफ एक दौड़ है। हालांकि स्थिति गंभीर है, लेकिन निराशाजनक नहीं है। वैज्ञानिक नए एंटीबायोटिक्स और वैकल्पिक उपचार जैसे कि फेज थेरेपी और एंटीमाइक्रोबियल पेप्टाइड्स विकसित करने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। सरकारें और अंतरराष्ट्रीय संगठन भी इस मुद्दे को हल करने के लिए कदम उठा रहे हैं। इसमें अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की निगरानी में सुधार करना और मानव और पशु स्वास्थ्य दोनों में एंटीबायोटिक के अति प्रयोग को कम करने के लिए नीतियां लागू करना शामिल है। हम सभी सुपरबग्स के बिना भविष्य में योगदान दे सकते हैं। समस्या को समझकर, एंटीबायोटिक्स का जिम्मेदारी से उपयोग करके और नए उपचार विकसित करने के प्रयासों का समर्थन करके हम आने वाली पीढ़ियों के लिए इन जीवन रक्षक दवाओं को संरक्षित करने में मदद कर सकते हैं।